हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल ड्रिजलिंग ट्रेशर्स में। तो चलिए आज की कहानी में खो जाते हैं। एक समय की बात है, एक बड़ी जंगल में एक कौवा, एक चूहा और एक कछुआ रहते थे। वे अक्सर एक साथ वक्त बिताते थे। एक दिन जब तीनों दोस्त एक झील के किनारे बातचीत कर रहे थे, तब एक हिरण उनके पास आया। जंगल में पहली बार हिरण को देखकर कछुआ ने पूछा, तुम यहाँ नए लगते हो, हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। हिरण ने कहा, हाँ मैं पास के जंगल में रहता हूँ, लेकिन वहाँ मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ दोस्त बनाने के लिए आया हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ बिल्कुल। तीनों दोस्त खुशी से उछल पड़े। वे सभी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और ज्यादातर वक्त एक साथ बिताने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक शिकारी जंगल की ओर बढ़ रहा था, जहाँ वे रहते थे। ओ नहीं, कौवा ने कहा, अब हम क्या करें, शिकारी हमारी ओर आ रहा है। जैसे ही उन्होंने शिकारी को आते देखा, वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। कौवा ऊंचा उड़ा और एक पास के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठ गया। हिरण बहुत तेजी से दौड़ा और झाड़ियों में छुप गया। चूहा एक छोटे से छेद में जाकर छुप गया। गरीब कछुआ हालांकि इसमें से कुछ भी नहीं कर सका। वह धीरे धीरे दौड़ रहा था और शिकारी ने उसे देख लिया और अपनी झोली में डाल लिया। शिकारी को यह तो दुख था कि उसने कोई बड़ा जानवर पकड़ा नहीं है, लेकिन उसको ये खुशी थी कि कम से कम कुछ तो पकड़ा है। शिकारी के थोड़ी दूर जाने पर कछुआ के तीनों दोस्त अपनी छुपी हुई स्थानों से वापस आए और एक स्थान पर मिले। उसने हमारे दोस्त को ले लिया, कौवे ने कहा, हमें कुछ करना चाहिए उसे बचाने के लिए। कुछ मिनटों के बाद हिरण ने उत्साह से चिल्लाया, मेरे पास एक योजना है। उसने अपनी योजना को अपने दोस्तों के साथ साझा किया, जो तुरंत उसे लागू करने के लिए सहमत हुए। कौवा तेजी से शिकारी को ढूंढने के लिए उड़ा और हिरण ने उसका पीछा किया। कुछ समय बाद कौवे ने शिकारी को उसके हाथ में झोली के साथ देखा। कौवे ने हिरण को संकेत किया और उसने शिकारी को अलग रास्ते से पीछे छोड़ दिया। वह एक दूरी पर गिरा बैठा और मरा हुआ जैसा बहाना करता रहा। जब शिकारी ने हिरण को देखा, उसने सोचा कि शायद वह मर गया है और उसने झोली वहीं छोड़ दी और हिरण का पीछा करना शुरू किया। इसी बीच चूहा वहां पहुंचा जहां झोली रखी थी और उसने जल्दी से अपने दांतों से झोली को फाड़ दिया और कछुआ को मुक्त कर दिया। जब चूहा और कछुआ चले गए, कौवे ने जल्दी से हिरण को उठने के लिए संकेत किया। हिरण को संकेत मिलते ही वो अचानक उठा और घने जंगल में दौड़ गया। शिकारी इन सभी को देखते हुए हैरान रह गया कि ये सब क्या हो रहा है। उसने हिरण को खोने पर बहुत दुख हुआ और दिल से दुखी होकर जब वह वापस उस जगह लौटा जहां उसने अपनी झोली रखी थी, वहां जाकर उसने देखा कि वो झोली खाली थी और कछुआ वहां नहीं था। उसने समझ लिया कि क्या हुआ है और अपनी हार मानकर वह खाली हाथ जंगल छोड़कर चला गया। शिकारी के चले जाने के बाद सभी दोस्तों ने एक राहत की सांस ली और कछुआ ने सभी को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। उस दिन से हमेशा की तरह चारों दोस्त उस घने जंगल में एक साथ मिलजुल कर खुशी से अपना जीवन जीते रहे। हमें खुशी है कि आपने ये कहानी सुनी।
अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि और मज़ेदार कहानियाँ आ रही हैं। फिर मिलेंगे, अलविदा।